हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हसन हेयर। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो की। एप्पल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है 7 सितंबर को इवेंट है आईफोन 14 प्रो का, और जैसे जैसे डेट करीब आती जा रही है रूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आईफोन 14 प्रो की। हम शुरू करते हैं चार्जिंग स्पीड से। जैसा कि हम जानते हैं आईफोन 13 प्रो की चार्जिंग स्पीड 25 वाट है और प्रो मैक्स की 27 वाट है, और उसका एडाप्टर 30 वाट का पावर देता है। बट आईफोन 14 प्रो चार्जिंग स्पीड मैक्स 30 वाट की होगी पहली बार, और ये जानकारी हमें हासिल हुई यमिंग चीकू से। 13 वाट कोई डिफरेंस नहीं लाएगा 14 प्रो में, लेकिन एप्पल सही डायरेक्शन में जा रहा है। सेंस एप्पल स्विच कर रहा है USB-C में नेक्स्ट ईयर, तो हमें और फास्टर चार्जिंग स्पीड देखने को मिल सकती है। USB-C फास्टर है लाइटनिंग पोर्ट से। नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं आईफोन 14 प्रो मॉडल बड़ा अपग्रेड होगा कैमरा डिपार्टमेंट में। स्पेशली मेन कैमरा अपग्रेड होगा 48 मेगापिक्सल में विद बिगर सेंसर होगा। मिंग चीकू ने कहा है कि अल्ट्रा वाइड कैमरा भी अपग्रेड हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा विद 1.4 माइक्रोन्स ऑफ पिक्सल साइज होगा, जो 40% बड़े होंगे 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स से। बड़े पिक्सल मतलब सेंसर ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी लो लाइट में भी। हालांकि न्यू कंपोनेंट 70% ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा लास्ट ईयर से, तो प्रो मॉडल के प्राइस हाई होने के चांस है। अफवाह यह है कि $100 प्राइस बढ़ जाएगा 14 प्रो के फ़ोन में दिस ईयर। अगली अफवाह यह है कि आईफोन 14 प्रो के फीचर सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप एनेबल टेक्स्ट और वॉइस सर्विस यूज़ कर सकते हैं जब नेटवर्क ना हो तो, लेकिन हमने ऐसे बातें सुनी नहीं हैं, तो शायद ये फ्यूचर इस ईयर के फ़ोन में ना हो। मिंग चीकू ने कहा है एप्पल ने कंप्लीट कर लिया है हार्डवेयर डिप्लोमेंट सैटेलाइट की जो आईफोन से कनेक्ट होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि आईफोन 14S में ये फीचर्स होंगे कि नहीं। हालांकि ये रूमर्स इस इवेंट के पहले आया है, तो हो सकता है ये फीचर्स 14 लाइनअप में हो। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट किया है कि सैटेलाइट में दो फीचर्स होंगे, ऑन फॉर मैसेजिंग इन मैसेज ऐप, और दूसरा मेजर इमरजेंसीज के लिए, जैसा कि प्लेन क्रैश और शिप डूबने जैसी। आप डायरेक्ट वॉइस रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। जबकि हार्डवेयर रेडी है एप्पल, फिर भी ये बिजनेस मॉडल अभी लोगों से बातचीत कर रहा है। ये इंक्लूड करने के लिए, सिंस सैटेलाइट नेटवर्क वर्ल्ड वाइड रहता है, एप्पल डील स्ट्राइक कर रहा है इंटरनेशनल कैरियर और गवर्नमेंट को भी। एप्पल 100% कोशिश कर रहा है कि यह डील स्ट्राइक हो जाए और ये फीचर्स फ़ोन में आ जाएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।